नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म एचएस न्यूज और मैं आपके साथ उषा कश्यप। वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का, नजर डालेंगे सभी बड़ी खबरों पर। म्यांमार में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां जेड माइन में भूस्खलन के कारण 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। उत्तरी म्यांमार में भूस्खलन के बाद कम से कम 100 जेड खनिकों के शवों को भूस्खलन के बाद बाहर निकाला गया। लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के तनाव के बीच चीन को झटका देते हुए केंद्र सरकार के एक और मंत्रालय ने चीनी कंपनियों को प्रतिबंधित कर दिया है। केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने साफ कहा है कि राजमार्ग निर्माण के किसी भी ठेके में चीनी कंपनियों को भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बता दें कि भारत सरकार ने पिछले दिनों चीन के 59 ऐप को भारत में बैन कर दिया। भारत की ओर से लगातार चीन को आर्थिक झटके दिए जा रहे हैं। सड़क निर्माण और डिजिटल क्षेत्र में झटके के बाद अब बारी बिजली क्षेत्र की है। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा कि पावर प्रोजेक्ट के लिए चीन से जो भी इंपोर्ट होता था, अब सरकार उसे रेगुलेट कर सकती है। इस क्षेत्र में कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया जा सकता है। लद्दाख के कारगिल में भूकंप का झटका महसूस किया गया है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक दोपहर 1:11 पर कारगिल में भूकंप का झटका महसूस किया गया। इसका केंद्र कारगिल से 119 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में रहा। लद्दाख में भूकंप का झटका महसूस किए जाने के थोड़ी देर बाद ही जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी भूकंप का झटका महसूस किया गया। दोपहर 2:02 पर आए इस भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई है। फिलहाल जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से आज लगभग 14 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले भी बिहार में बिजली गिरने से कई लोगों की जान जा चुकी है। लखनऊ में कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए यूपी सरकार के स्वास्थ्य कर्मी 5 जुलाई से लोगों के घर घर पहुंचेंगे और स्क्रीनिंग करेंगे। लखनऊ में इस काम के लिए 2000 टीमों का गठन किया गया है। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। अब देश में कुल मरीजों की संख्या 6,04,661 हो गई है, जिसमें 17,834 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से अब तक करीब 3,60,000 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या 2,27,000 करीब है। कोरोना के पिछले 24 घंटे में 19,148 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 434 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। आईसीएमआर के मुताबिक 1 जुलाई तक 90,56,173 सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 2,29,588 सैंपल कल टेस्ट किए गए। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। महाराष्ट्र में कुल मरीजों की संख्या 1,80,298 है, जिसमें 8,053 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 93,000 से अधिक लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या 89,000 से अधिक है। महाराष्ट्र के बाद कोरोना वायरस ने तमिलनाडु पर अपना कहर बरपाया है। यहां कुल मरीजों का आंकड़ा 94,000 को पार कर गया है, जिसमें 1,264 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 52,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केस की संख्या करीब 40,000 है।
राजधानी दिल्ली में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा करीब 90,000 है, जिसमें 2803 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक करीब 60,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या 27,000 से अधिक है। सुशांत सुसाइड केस में संजय लीला भंसाली से होगी पूछताछ, पुलिस ने भेजा समन। सुशांत सिंह राजपूत केस में बांद्रा पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। सुशांत की खुदकुशी की वजह का पता लगाने के लिए कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। अब बांद्रा पुलिस ने इस मामले में फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को समन भेजा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।